की एंट्री बंद। तो कहते हैं आपको सुरक्षित रहना है तो गाय को दरवाजे पर लेकर के आ जाए। दरवाजा सबसे बड़ा खुला क्षेत्र होता है घर में जाने के लिए, खिड़की उससे छोटी होती है, तो ज्यादा महत्व दरवाजे से घुसने का है। तो कहते हैं कि दरवाजे पर ये सेफ गार्ड लगा हो गाय को रखकर। तो आज भी भारत के आप गाँव में जाइए जहां पर शहर नहीं पहुंचा है तो वहां देखोगे कि घर के आगे ही गौशाला होती है, घर के दरवाजे पर एक साइड में गौशाला होगी, दाहिने तरफ या बाएं तरफ। ये पूरे भारत में घूम करके मैंने देखा है, आज भी है। पुराने मकान जितने भी बचे हुए हैं उन मकानों की बनावट ऐसी ही होती है। फिर कहते हैं कि मध्य में खुला क्षेत्र है क्योंकि आकाश संपर्क में है, तो कहते हैं वहां से भी कोई वायरस न घुस जाए इसलिए दूसरा एक एंटीवायरस लगा दो, तुलसी का पौधा। तो आंगन में उन्होंने तुलसी की स्थापना करवा दी कि बिना तुलसी का आंगन ही ना हो तो आकाश से भी कोई वायरस आपके घर में ना घुस जाए, और फिर भी कोई चोर वायरस कहीं इधर उधर से घुस जाए तो उसके लिए एक अस्पताल बना लो घर के अंदर, घर के पिछवाड़े में, और उसका नाम उन्होंने दिया रसोई घर। यह शरीर देखो भोजन से बिल्कुल नहीं चलता, यह शरीर रस से चलता है। आप कोई भी भोजन करो मुख में वह रस बनता है, आप चबाते हो मसल के उसको रस बनाते हो, ना भी मसले तो पेट में जाके पहले वो टूटेगा रस बनेगा और फिर उस रस को शरीर आत्मसात करेगा। इस शरीर को रस की जरूरत है, भोजन की जरूरत नहीं है। भोजन डालो तो रस बन के ही फिर वो पाचन में जाएगा, बिना रस बने हुए पाचन में नहीं जा सकता। तो उन्होंने रसोई घर की कल्पना की कि इस शरीर को जितने तरह का रस चाहिए उतने तरह के रस बनाने का एक घर बना दो, हर घर में एक घर बना दो, एक कमरा बना दो जहां की रस बने। तो रसोई घर की स्थापना की और रसोई बनाने की क्रिया में 48 तरह के औषधियों को लगाया जिसको हम कहते हैं मसाले, आज मसाला कहते हैं। वास्तव में वह अद्भुत औषधियां हैं सभी 48 है। 48 का अगर नाम आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे चल जाओ panchgavya.org, वहां पर आपको पूरा वो लिस्ट मिल जाएगा कि 48 औषधियां बाप भट्ट जी के कालखंड में कौन कौन सी थी हमारे रसोई घर। अभी मुश्किल से 7, 8, 10, 12 बची है, शेष सारी लुप्त हो गई, खत्म हो गई, जानकारी भी नहीं है, एक एक करके खत्म होती जा रही है। तो इसको फिर से आप जो है ना जीवित कर सकते हो अपने रसोई घर। ये 3 सुरक्षा चक्रों में हर भारतीय का जीवन बंधा हुआ था और इसी के कारण भारत निरोगी था, भारत कभी इसी के कारण बीमार नहीं पड़ता था। इन 3 चक्रों को पिछले 700 वर्षों में तोड़ा गया। घर से गाय चली गई, कहीं गाय अब है भी तो पिछवाड़े में पीछे। घरों की बनावट ऐसी की गई कि आंगन का प्रावधान हटा दिया तो तुलसी चली गई, और रसोई घर को हटा के किचन बना दिया जहां संकट की 48 की जगह 8 मसाले भी नहीं, 8 औषधियां भी नहीं। 3 सुरक्षा चक्रों के टूटने के कारण ही भारत आज संकट में फंसा है, रोगों के संकट में फंसा है, और हर साल रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही रहेगी, इसका अंत कभी भी नहीं हो सकता। हर साल दो चार नए रोग आएंगे, नए तरह के वायरस आएंगे और ये क्रम चलता रहेगा। अब अनंत तरह के रोगों की चिकित्सा के लिए अनंत तरह की औषधियों की जरूरत है। आज जो मेडिकल साइंस है, आज जिस मेडिकल साइंस का बोलबाल है उसकी दृष्टि से अगर आप देखो तो एक एक बीमारियों के लिए 8, 10, 12 तरह के टैबलेट कैप्सूल होते हैं। जब अनंत तरह के रोग हैं तब आप कितनी औषधियाँ बनाओगे, अनंत तरह के ड्रग्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो यह तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो इसी समस्या का समाधान जो है हमने वाघ भट्ट को पढ़ करके निकाला कि वाघ भट्ट मूलतः कहते क्या है। तो देखो वाघ भट्ट निरोगी रहने के सूत्र पर कहते हैं कि केवल 2 काम आपको जीवन में, तो आप अपनी स्वयं की चिकित्सा कर सकते हो, केवल 2 काम। शरीर को जानिए कि शरीर कैसा है, और भोजन को पहचानिए कि भोजन कैसा है। बस शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, आगे है क्या कुछ नहीं। हम शरीर को जानते नहीं इसके कारण संकट होता है, और भोजन को पहचानते नहीं उसके कारण दूसरा संकट होता है। जब मर्जी
कुछ भी खा लेते, जब मर्जी कुछ भी पी लेते। ये इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन की पहचान नहीं है और इस शरीर को कब कौन सा भोजन डालना, इस शरीर में कब कौन सा भोजन डालना, ये गलतियां इसलिए करते हैं कि शरीर को जानते ही। देखो बाह्य अंगों की थोड़ी जानकारी तो होती है हमें कि आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, हाथ काम करने के लिए है, पांव चलने के लिए, इतना तो सब जानते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों की जानकारी हमारे पास नहीं होती है और न ही इसको गंभीरतापूर्वक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि आप शरीर को जान लो, यानी बाह्य अंगों के साथ साथ भीतरी अंगों को भी जान लो कि भीतर का अंग कौन कौन सा है। अगर इतनी जानकारी हो जाए हमें अंगों, भीतरी अंगों के बारे में कि अंदर श्वास नली का क्या काम है, आमाशय का क्या काम है, आमाशय में कैसे भोजन पचता है, आंख कैसे काम करता है, मल कैसे निकलता है, मूत्र कैसे बनता है, ये सरल सरल जानकारियां अगर हमें मिल जाए और इसका संबंध भोजन को पहचान कर अगर हम जोड़ दें तो कभी भी कोई गलती जीवन में नहीं हो सकता और आदमी कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। इसी मूल सूत्रों को आधार मानकर जो है वो पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को हमने फेल किया और यही कारण है कि पूरी की पूरी पंचगव्य चिकित्सा बहुत ही सरल है, इतना सरल है। अभी आपसे हमने बात की कि जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, कभी जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति भी थोड़े से अभ्यास के बाद चिकित्सा शास्त्र को जान सकता है, चिकित्सा का कार्य कर सकता है। इतना सरल है, बिल्कुल सरल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्निकल एजुकेशन इतना सरल होगा जितना सरल भारत का चिकित्सा विज्ञान है। और यही कारण है कि देखो कुल एक वर्ष में 20 दिन की पढ़ाई में ये पूरा कोर्स हो जाता है। और अपने गर्भ सिद्ध क्या क्या करते हैं ये तो आपने सुना ही होगा, दुनिया की कोई रोग इनके लिए बड़ी बात नहीं होती है। अगर व्यक्ति की आयु बची है तो उनके शरीर को रिपेयर करना इनके लिए सरल हो जाता है। इसी कारण से कि ज्यादा कुछ नहीं, जो जरूरत की चीज है उसको पढ़ लिया, शरीर को जान लिया, भोजन को पहचान लिया, आगे है क्या चिकित्सा शास्त्र, कुछ नहीं। पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर, कल मैंने चर्चा की थी, मिट्टी बिगड़ती है तो मिट्टी दे दो शरीर को, जल बिगड़ता है जल दे दो शरीर को, अग्नि बिगड़ता है अग्नि दे दो, वायु बिगड़ता है शुद्ध वायु दे दो, आकाश बिगड़ता है आकाश दे दो, और है क्या इसमें। पांच चीजें बिगड़ने वाली है और अगर ये पांच शुद्ध क्वालिटी की सप्लाई हो जाए इस शरीर को और आगे चाहिए क्या, छठा कुछ है नहीं इस शरीर में बिगड़ने के लिए, तो बिगड़ेगा कहां से। जो चीजें शरीर में नहीं है वो बिगड़ेगा कहां से, और शरीर में इन पांच कंपाउंड एलिमेंट के अलावा कुछ है नहीं। तो ये पांच कंपाउंड एलिमेंट की प्योर क्वालिटी हम शरीर में दे दे और इसी प्योर क्वालिटी की खोज में हम गाय की शरण में गए, क्योंकि गाय के पास ये पांचों प्योर क्वालिटी है। ठीक है जी, तो ये पांच गव्य इसका सेवन अपने जीवन में करो। और एक अद्भुत बात आओ, सामान्य व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सी तत्वों की कमी है। अब आपको कैसा कैसे पता चले कि हमारे शरीर में भूमि तत्व की कमी हो गई और हमें गोबर खाना चाहिए, हमारे शरीर में वायु बिगड़ गया तो गोमूत्र पीना चाहिए, जल बिगड़ गया तो दूध पीना चाहिए, पता कैसे चलेगा। पता करने के लिए ही गवशिद्धर है, लेकिन एक और इसमें रास्ता है और वो सप्त ऋषियों का दिया हुआ रास्ता है। सप्त ऋषि कहते हैं कि आपको पता नहीं कि आपके शरीर में कौन सा तत्व बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आप पांचों को ले लो, होगा तो इसी में कोई नहीं। शत्रिषि कहते हैं होगा तो इसी में, इसी पांच में ना, तो इन पांचों को ले लो ना, संकट क्या है। तो सात ऋषियों ने सात फॉर्मूले दिए, अपने अपने हिसाब से रिसर्च करके दिए कि इन पांचों का मिश्रण कैसे किया जाए।
पांचों एक साथ लेने की कला पर काम किया और उसमें जो सबसे सरल कला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप क्या करो कि जो गैया के बारे में भी बात हुई कि गाय कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी गाय का एक चम्मच गौमूत्र आप एक पात्र में लो। पात्र तांबे या पीतल का नहीं होना चाहिए, अगर चीनी मिट्टी या कांच का है तो बहुत ही अच्छा है, कांच बहुत ही अच्छा बर्तन है। कांच के बर्तन में एक चम्मच गौमूत्र ले लो आप, 24 घंटे में कभी का गौमूत्र हो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर, गोबर का रस एक चम्मच डालो। अब विशुद्ध गोबर जो औसत के रूप में है, उस गोबर की पहचान क्या है कि गैया गोबर देती है तो आप दाहिने हाथ पे ले लो और दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे पलटी मारो। अगर दाहिने हाथ में कुछ भी ना सटा गोबर का चिपका, समझ लो वह औषध है, अमृत है। और अगर वो गैया का गोबर चिपक गया आपके हाथ में तब वो आपके काम कर रही है। ये एकदम सरल पहचान है, हर व्यक्ति पहचान सकता है। औषधीय पूरी तरह से अमृत रूपी गोमय कैसा होता है, तो गाय का गोबर हथेली पे ले लो, दूसरी हथेली पर पलटा मारो, इसमें चिपकेगा नहीं, समझ लो एकदम बढ़िया क्वालिटी का गोमय। तो ऐसे गोमय का रस निकालिए और एक चम्मच आप गौमूत्र के साथ रस मिला दो, उसमें एक चम्मच दूध मिला दो, उसमें एक चम्मच दही मिला दो और अंत में एक चम्मच घी मिला दो। इसमें ध्यान यही रखना होता है कि अगर पहले दूध लिया है तो दही को अंत में लेंगे और दही पहले लिया है तो दूध को अंत में लेंगे और इसकी फिर मंथन क्रिया करो। 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसकी मंथन क्रिया कीजिए और मंथन क्रिया करने के बाद इसको धूप में रख दो आप, सूर्य के प्रकाश में आधे घंटे तक छोड़ दो, सूर्य के प्रकाश में पके जाएगी। और उसके बाद उसमें एक चम्मच शहद मिला दो, स्वाद के लिए शहद मिला दो और फिर इसकी भुटाई कर दो। ये पंचगव्य अमृत है। यह औषध मनुष्य शरीर के किसी भी बीमारी के लिए औषध है। अगर आपके पास कोई गवेषक नहीं है, आपके पास कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपके पास कोई जांच करने वाला व्यक्ति नहीं है जो बता सके कि शरीर में किस चीज की कमी हुई, तो ऋषि कहते हैं कि ये ले लो। इसमें आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये पंचगव्य स्वतः एक्सपर्ट है। ये शरीर के अंदर जाएगा, शरीर का डायग्नोसिस करेगा और शरीर का डायग्नोसिस करके तय करेगा कि शरीर में करना क्या है। दुनिया की कोई भी औषध के पास ये क्वालिटी नहीं होती, गवियों के पास ये क्वालिटी होती है। अगर गौमूत्र आपने पिया तो पीने के बाद गौमूत्र शरीर के अंदर जाकर यह निर्धारित करता है कि मुझे करना क्या है। दुनिया की कोई औषध के पास ये क्वालिटी नहीं है जो औषध निर्धारित करे कि करना क्या है। गौमूत्र शरीर में जाकर पेट में निर्धारित करता है कि मुझे शरीर को शीतल करना है या उष्ण करना है, मुझे किस रूप में काम करना है। पेट में जाएगा, पूरे शरीर का डायग्नोसिस करेगा और जो चाहिए वो काम करेगा। इसलिए पंचगव्य विज्ञान को जानने वाला डॉक्टर तेज हो या ना हो कोई बड़ा विषय नहीं होता, सारे गव्य ही तेज है, वो स्वतः काम कर लेते। इनकी जो भूमिका होती है वह आयु के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उसकी मात्रा निर्धारित करने में होती है। आप दुनिया में कोई भी वनस्पति या कोई भी केमिकल रसायन नहीं निकाल सकते जो इस तरह से शरीर के अंदर जाकर कार्य करे। इसलिए यहां पर अगर कोई तत्व बढ़ जाए तब भी उसी गव्य की जरूरत पड़ती है और घट जाए तब भी उसी गव्य की जरूरत पड़ती है। उदाहरण, आजकल कैल्शियम डिफिशियंसी सभी लोगों को होता है, लगभग लगभग सभी लोगों को होता है। और हमें पता है कि गाय के दूध में भरपूर कैल्शियम है, तो कैल्शियम डिफिशियंसी है, गाय का दूध पीना शुरू करो, कैल्शियम पूरा हो जाएगा। आपको पता नहीं कि कैल्शियम की पूर्ति कब हो गई और फिर भी दूध पीते रहो, आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ नहीं सकता। और अगर किसी के शरीर में कैल्शियम बढ़ गया है और उसको कुछ समस्या है, इसी गाय का दूध पिला दो, गाय का दूध कैल्शियम को काट के नीचे कर देगा। पूरी दुनिया में
कोई औषध नहीं, कोई ड्रग्स ऐसा नहीं जो इस तरह से दो धर्म काम करे। गाय का दूध पेट में जाके तय करता है मुझे करना क्या है, कैल्शियम घटाना है कि बढ़ाना है, और शरीर का डायग्नोसिस करके फिर उस दिशा में वो काम शुरू करता है। आजकल देखो नाक की हड्डियां बढ़ जाती है बच्चों की और नाक कटवाने चले जाते हैं हॉस्पिटल। भैया नाक की हड्डी बढ़ गई, कितनी बार नाक कटवाओगे? हमारे देश के का संस्कार तो ऐसा है कि फांसी देने से भी ज्यादा बड़ी सजा है किसी की नाक काट लेना। नहीं क्या पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे, कोई बड़ा चोर पकड़ा गया या कोई अत्याचारी पकड़ा गया तो इसको नाक कान काट लो, नाक कान काट के छोड़ लो, जिंदगी भर नाक कान ढक करके घूमेगा, इससे बड़ी सजा तो मृत्युदंड भी नहीं हो सकता। आज क्या जमाना हो गया है, नाक की हड्डियां बढ़ जाती, चले जाते, पैसे भी देते और नाक भी कटवाते, दोनों काटने वाला होशियार पैसे भी लेता, और हड्डियां बढ़ रही है आप काट लोगे तो क्या दोबारा नहीं बढ़ेगी क्या? तो हर दो तीन साल पर नाक कटवाने पहुंच जाते हैं। आगे से भी काम मत करना, अगर किसी का है तो गैया का दूध पियो, भरपूर कैल्शियम है, नेचुरल कैल्शियम है, वो घटाएगा शरीर में जो जरूरत से ज्यादा कैल्शियम है इसको घटा के सम पर लाएगा। और ये केवल दूध नहीं, गैया का गोबर, दूध, उनका मूत्र और उनके सारे गव्य इसी तरह से काम करते हैं, भस्म इसी तरह से काम करता है, घी इसी तरह से काम करता है। एक ही घी हमारे जठर की मंद अग्नि को प्रदीप्त कर सकता है और वही घी जठर की प्रदीप्त अग्नि को मंद नहीं कर सकता। घी जाएगा पेट में तो तय करेगा मुझे करना क्या है और तय करके फिर वो काम करेगा। इसलिए गाय का गर्भ सब अद्भुत है, स्वतः काम करने वाला है, इसमें कोई डॉक्टर की बड़ी भूमिका नहीं होती। डॉक्टर केवल यही निर्धारित करता है कि आप किस भूगोल में हो, कौन से मौसम में हो, आपकी अवस्था क्या है और उस आधार पर आपको कौन से गर्भ की कितनी मात्रा लगेगी, केवल इसका निर्धारण डॉक्टर करते हैं। और गलती से कहीं दूसरा गर्भ अगर आपने ले लिया तो संकट क्या है, कोई संकट नहीं है इसमें, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इतना सुरक्षित औषध हमारे भारत में है और हम औषधि के लिए कहां कहां चले जाते हैं। आज सुबह एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें अपने देश का मीडिया जो है वो रो रहा है कि दुनिया में 50 एंटी कैंसरस मेडिसिन है, दुर्भाग्य भारत का कि भारत को अभी तक केवल 7 एंटी कैंसरस मेडिसिन ही मिला है, 43 के लिए रोना रो रहे हैं। गाय का कोई भी गव्य एंटी कैंसरस है, इनको ये नहीं दिखता क्योंकि विषय गाय का है और गाय ये हिंदुत्व की प्रतीक बना के रख दिया है। हाँ, गाय की बात करो तो आप संप्रदायिक लोग हैं, आप गाय वाले हो। हाँ, गर्व से कहता हूं कि मैं गाय वाला हूं, इसमें क्या है, गाय अद्भुत है, हम भारत के लोग सब गाय वाले ही तो हैं और हम भी उनकी बात में आकर के गाय का नाम लेना नहीं चाहते। आज तक एलोपैथी ड्रग्स से कोई भी कैंसर का मरीज ठीक हो गया हो और उसका रीअकरेंस ना हुआ हो, एक भी उदाहरण को दिखा नहीं सकते, एक भी उदाहरण दिखा। बिना बायोटिक मेडिसिन लगाए हुए वो एक उदाहरण खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन आज भारत में 70 साल से जो गाय पर काम हो रहा है इसमें कई हजार लोगों को खड़ा किया जा सकता है। 20 साल में जो हम लोगों ने काम किया, 2000 का 20 साल भी नहीं हुए, 15-16 साल में कम से कम 1000 लोगों को तो मैं बता सकता हूँ कि जिनको 2000 में, 1900 में या उससे पहले राजीव भाई ने जिनको गौमूत्र से और वनस्पतियों से ठीक किया है उनको रीअकरेंस नहीं हुआ, मतलब वो कैंसर की पुनरावृत्ति नहीं हुई। 20 साल का रिकॉर्ड तो हम बता सकते, 75 साल से 1945 के बाद से जो
गाय पर काम करना लोगों ने शुरू किया, गौमूत्र का उपयोग शुरू किया, उसमें से लाखों ऐसे उदाहरण भारत में मिल जाएंगे, फिर भी ये निकम्मे लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। और दुनिया के किसी लोगों ने कुछ एंटी कैंसरस बना लिया है, झूठ है या सच, वो भी झूठ है या सच पता नहीं, और उस पर इस देश का मीडिया जो है रो रहा है कि भारत का दुर्भाग्य कि भारत को साथ ही एंटी कैंसरस मेडिसिन मिले, 43 के लिए सरकार प्रयास करे। इन मीडिया वालों को सच दिखता नहीं, इस दुनिया में जो झूठ है वही दिखता है। हजारों बार इनको चिट्ठी लिख करके अखबारों में समाचार दे करके बता दिया, भैया गाय और उसके गव्यों से कैंसर जड़ मूल से खत्म हो रहा है, नहीं लिखेगा। सुबह में देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज भी मीडिया वही आलाप कर रहा है जो पहले कर रहा था। दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, ये मीडिया नहीं बदल रहा है दुनिया का। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ कि इनको मत पढ़ो और इनको मत देखो, कम से कम गलत चीजें तो जीवन में नहीं आएगी। इतना सरल चिकित्सा विज्ञान भारत का, जिसको बिल्कुल बच्चा पढ़ सकता है, इसको कितना कलिष्ठ लोगों ने बना दिया है। बिना करोड़पति हुए आपका बच्चा मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकता। ये कैसा भारत है कि मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए हम मनुष्य अब अपने जीवन को पढ़ने के लिए इतना बड़ा धन संग्रह करें, और इतना धन लगा के कोई मेडिकल साइंस पढ़ेगा तो उतना धन वो अर्जित तो करने की कोशिश करेगा, अर्जित हो नहीं सकता तो लूटने की कोशिश करेगा। और इसीलिए पूरा का पूरा देश का जो चिकित्सा तंत्र है वो लूट की कसौटी पर खड़ा है। अब इस लूट की कसौटी से निकालना है देश को बाहर, कैसे निकले? हमारे देश में ब्रह्मा जी से चलता हुआ जो है, ब्रह्मा जी फिर प्रजापति जी, अब कल पूरी श्रृंखला बताई ना आपको, ये पूरी श्रृंखला से चलता हुआ इतना बड़ा अद्भुत आयुर्वेद का ज्ञान आज मॉडर्न आयुर्वेद हो करके उनका सगा भाई हो गया है। जो वो करता है छोटा भाई उसी के पीछे पीछे चलता है। अरे ये तो बड़ा भाई था, इससे तो कुछ चीजें निकाल के हिप्पोक्रेट्स ने एलोपैथी बनाया, और जीवन के अंतिम दिनों में वो लिख करके गया, संसद से झगड़ा करके गया कि एलोपैथी को बंद कर दो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ये पूरी सृष्टि को नाश कर देगा। हिप्पोक्रेट्स के लैंग्वेज है जिसने एलोपैथी की स्थापना दुनिया में की। एक बड़ी भूल हुई, मानवता को नष्ट कर देगा ये। और आज जो आयुर्वेद इतना संपूर्ण है, जो आदि युग में जिस अश्विनी कुमारों ने कृत्रिम आंख बना डाला, जिन अश्विन कुमारों ने कृत्रिम हाथ पाव बनाया जिसके कारण इंद्र को सीखना पड़ा, वह अद्भुत ज्ञान इस राष्ट्र के पास है। और हम चिकित्सा के लिए कहां देखते? यूरोप और अमेरिका को देखते कि वहां से एंटी कैंसर ड्रग्स आए और तब भारत में भारत का उद्धार होगा। ये दुर्भाग्य है, और इसीलिए दुर्भाग्य है कि हम अतीत को नहीं पढ़ते। तो जो मेरा निवेदन है कि आप चिकित्सा के अतीत को भी पढ़ो। हमारे देश के जितने ऋषियों ने चिकित्सा शास्त्र पर कार्य किए हैं उनके जीवन को पढ़ो, उनके कार्यों को पढ़ो, इसमें से बहुत सारी अद्भुत 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 चीजें निकलती जाएगी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो। केवल पढ़ना नहीं, उसको पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो। इसी में से एक रत्न रूपी विषय आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी थेरेपियां हैं, लगभग 200 से ज्यादा थेरेपियों को तो मैं जानता हूं, उनकी पहुंच जानता हूं। 100 थेरेपियां और हैं जिनको अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया है। लगभग 300 से ऊपर थेरेपियां दुनिया में कार्य करती हैं। इन 200 थेरेपियों को जितना मैं जानता हूं, उस आधार पर ये सभी थेरेपियां मानती है कि यह जो शरीर है वो कई तत्वों के मेल से बना है। अब सभी का डेफिनेशन अलग अलग है। हमारा पुराना शास्त्र कहता है कि ये 5 तत्वों के मेल से बना हुआ यह शरीर है। दूसरी थेरेपियां हैं, इन 5 को तोड़कर समझती है और तोड़ करके ज्यादा संख्या बताती है, 24 बताती है, 28 बताती है। आज के लिए 28 बताते हैं कि 28 तरह के एलिमेंटल चीजें हमारे बॉडी में है, और उसमें जो डिफिशियंसी आता है या उसमें जो तत्व बढ़ते हैं उसके कारण ये सारे डिसऑर्डर आते हैं।
इससे आगे भी कुछ शरीर है। हमारा वेद कहता है कि देखो इस शरीर के 8 खंड है। दुनिया के जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं केवल 5 खंडों पर कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है 8 खंडों का है, और गहराई में डूबो तब 9वां खंड भी मालूम होता है। ये 8 खंड तो बिल्कुल दृष्टिगोचर है, बिल्कुल दिखता है, इसीलिए वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम की रचना की। इस शरीर के 8ों खंडों की चिकित्सा होनी चाहिए, केवल 5 खंडों की चिकित्सा में इस शरीर का विकार जा सकता है, लेकिन शरीर की क्रियाओं का विकार नहीं जा सकता। तो वाग्भट जी 8 खंडों पर बात करते हैं, और उससे गहराई में आप डूबो तो एक 9वां खंड भी है। तो 9 खंड का यह बना हुआ शरीर है, और इन 9 खंडों को चलाने के लिए सूर्य के पास 9 तरह की किरणें हैं। 7 किरणों की व्याख्या कल हमने की थी, 2 अदृश्य किरणें, एक क्रिया ऊर्जा एक प्रज्ञा ऊर्जा, ये 9 किरणें हैं। इन 9 किरणों से शरीर के 9 खंडों का संचालन चलता है। तो आज का जो चिकित्सा विज्ञान है वो केवल 5 की बात करता है कि जी 5 है शरीर में, और उन 5 को सही करने के लिए अलग अलग तरह के कंपोजिशन और औषधियां ड्रग्स ये सारा कुछ चलता है। देखो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ कि कोई भी कारखाना मोटर गाड़ी बनाती है, उस मोटर गाड़ी को बनाने में बहुत तरह के धातु लगते हैं, लोहा लगता है, तांबा लगता है, पीतल लगता है, रबर लगता है, कांच लगता है, सब कुछ मिला के गाड़ी बना दिया, क्या गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। उस गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी और ईंधन डालना पड़ेगा, और वो कारखाना वाला तय करता है कि इसमें कौन सा ईंधन डालना है, डीजल वाला है कि पेट्रोल वाला है कि गैस वाला है, है ना। अब मान लो कि वो गाड़ी बन गई, डीजल की गाड़ी बन गई, डीजल डाल दिया, गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? चलाने वाला चाहिए, एक चालक चाहिए, यानी गाड़ी में गति देनी है तो 3 व्यवस्थाओं का समन्वय चाहिए। एक, गाड़ी बन गई, कारखाना ने बना दिया। दूसरा समन्वय चाहिए कि उसमें ईंधन डाल दिया, ऊर्जा, ईंधन का जो भी रूप है वो डाल दिया, दूसरा समन्वय। तीसरा समन्वय है कि उसको चलाने वाला एक चालक चाहिए, तब तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। इन तीनों के समन्वय में कहीं भी गड़बड़ी हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती, और चलेगी तो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई पागल ड्राइवर बैठ गया, कहीं जाकर के गाड़ी को धक्का लगा दे, लक्ष्य पर तो नहीं पहुंचे, गाड़ी बनाने का उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो 3 तरह के समन्वय से चलता है। एक जो पहला समन्वय है वह तत्वों का समन्वय, कि हम 5 तरह के यौगिक तत्वों से या 28 तरह के एलिमेंट से यह बना हुआ शरीर है, वैसा ही जैसे गाड़ी बन के तैयार हो। अब उस गाड़ी में गति देना है, इस शरीर में गति अगर देना है, मूवमेंट पैदा करना है, तो इस शरीर को ऊर्जा देनी पड़ेगी। वहां डीजल डालना पड़ा था, यहां भी कुछ फ्यूल डालना पड़ेगा। तो डीजल डालने से गाड़ी नहीं चलती, डीजल जलता है, और डीजल के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा से फिर गाड़ी में गति आती है। यहां भी ऐसा ही है, ईंधन डाल दो आप, यानी भोजन डाल दो, जल डाल दो, रस डाल दो, वो रस नहीं चलाएगा इस गाड़ी को, वह रस विघटित होगा शरीर में, और उसके विघटन से ऊर्जा पैदा होगी शरीर में, और उस ऊर्जा के कारण इस शरीर में गति आएगी। तो आपने भोजन भी डाल दिया, दूसरा समन्वय आपका सही सही है। अब इस गाड़ी को चलाने वाला भी तो चाहिए, तो वहां तो चालक था, यहां आत्मा है, वो चालक है इसका, जो सही सही जगह पर इस शरीर को लेकर जाएगा। जहां जाने के लिए यह शरीर बना है
जिन कर्मों को पूरा करने के लिए यह शरीर बना है उस कर्म तक यह चालक ही लेकर जाएगा। अगर किसी दिन चालक ने शराब पी ली तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहां चिकित्सा शास्त्र की एक बात करूंगा आपसे कि आपकी कोई गाड़ी है।